नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, जीरे में बहुत तरह के गुण छुपे होते हैं जो कि हमें स्वास्थ्य संबंधी होने वाली समस्याओं से दूर रखते हैं। ये दिखने में सौंफ की तरह होता है। जीरे की तासीर गर्म होती है और इसे खाने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। इसे खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसका सेवन करने से वजन कम होने के साथ साथ ये पेट के कीड़े, बुखार उतारने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और हार्ट अटैक आदि बीमारियों से भी बचा सकता है। और दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको जीरे के ही कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप जल्द से जल्द पतले होना चाहते हैं, तो दो हफ्ते लगातार ग्लास में पानी लेकर उसमें दो बड़े चम्मच जीरे को डालकर रात के समय भिगो कर रखें। सुबह उठते ही उसे चाय की तरह उबाल कर पीने से मोटापा कम होता है। इसके बाद में जो जीरा बच जाता है उसे भी आप चबा चबा कर खा सकते हैं। अगर आप फालतू की चर्बी घटाना चाहते हैं, तो थोड़े से पानी में 3 ग्राम जीरा पाउडर को मिलाकर उसमें शहद की कुछ बूंदें डालकर पीजिए। अगर आप घर पर कोई भी सूप बना रहे हैं तो उसमें भी आप जीरा डालकर ले सकते हैं। आप खाना खाते समय यदि दही खा रहे हैं तो वजन कम करने के लिए 5 ग्राम दही में 1 चम्मच जीरा पाउडर अवश्य डालें। आप जब भी कोई सब्जी बनाएं तो उसमें थोड़े से अदरक को कद्दूकस करके जरूर डालें। अगर घर पर नींबू और जीरा है तो उसे सब्जी में डालकर रात के समय लेने से आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा करने से आपका बढ़ता वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको गैस की दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे में आप जीरे का सेवन कर सकते हैं। जीरा गैस को बनने से रोकता है, जिससे खाना अच्छे से पच जाता है। अगर आप बढ़ रहे फैट को कम करना चाहते हैं, तो जीरे का सेवन अवश्य करें। इसे खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ठीक रहता है और ये आपका हार्ट अटैक से भी बचाव करता है। तो दोस्तों, देखा आपने जीरे के कितने सारे फायदे होते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपना वजन घटाने के लिए आप जीरे का इस्तेमाल अवश्य करें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।